बिजावर में हिंदू युवा क्रांति दल के प्रमुख जितेंद्र तिवारी ने बताया कि बिजावर नगर में और आसपास के क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कोरोना महामारी से हमें कैसे बचना है। ऐसे में पुलिस हर रोज काम कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है और उन्हीं की सेवा को देखते हुए एक छोटा सा प्रयास किया गया है। यहाँ चाय बिस्किट खिलाकर सेवा भाव प्रस्तुत करने की कवायद शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन एक परिवार की तरह है और उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी भी है। हिंदू युवा क्रांति दल के द्वारा सेवा भाव के साथ यह कार्य जारी है। बिजावर हिंदू युवा क्रांति दल द्वारा हमारे बिजावर नगर में प्रशासन अधिकारी और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगातार लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं। फिर भी कुछ लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे हैं और बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जो पुलिस पर टिप्पणी करते हैं कि पुलिस बेवजह लोगों पर लाठी चार्ज कर रही है। तो उन लोगों को बताना चाहते हैं कि जो पुलिस है उनके भी परिवार है, उनकी भी फैमिली है, पर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं और कोरोना महामारी से बचा रहे हैं। उसी को देखते हुए हिंदू युवा क्रांति दल द्वारा सेवा भाव के रूप में पुलिस प्रशासन को चाय नाश्ता और बिस्किट खिलाई गई है। ये सिर्फ एक संदेश देना है, यह दिखावा नहीं है, सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं कि जो दिन रात हमारी सेवा में लगे हैं, हम अगर मानव हैं तो हमको उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और उनको एक उत्साह देना चाहिए कि जो लोग हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमको उनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और पुलिस का और पुलिस प्रशासन का और सभी का प्रशासन अधिकारियों का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।